government wants to stifle the conversation. That's bad for India. सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और कहां कह रहे हैं? लंदन में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे उनकी खूब फजीहत हो रही है। राहुल गांधी तो लंदन में हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयानों से देश की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने देश के माहौल में केरोसिन इस्तेमाल करने का आरोप बीजेपी पर लगाया तो बीजेपी ने भी 84 के दंगों का जिक्र कर कांग्रेस पर करारा पलटवार कर दिया। The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. आज की कांग्रेस पार्टी 84 से लेके अब तक जो मिट्टी का तेल हाथ में लेके चलती है ना, मुझे दिखाओ चिंगारी, मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। वो मिट्टी का तेल बुझा नहीं है, आग लगी रहे देश में, सौहार्द बिगड़ा रहे। एक प्रगतिशील मजबूत भारत श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बन रहा है? वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी ने प्रदेश में देश की छवि को धूमिल करने का काम किया हो। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं जिन पर उनकी पार्टी की खूब फजीहत हुई और उनकी सियासी समझ पर सवाल खड़े हुए हैं। 2018 में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी बीजेपी को घेरते घेरते देश पर विवादित बयान दे बैठे थे। आज हिंदुस्तान में हमारे लोगों को कहा जाता है तुम दलित हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम दलित हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा बोलोगे पीटा जाएगा, दलित एट्रोसिटी एक्ट छीन के हम खत्म कर देंगे, स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, अच्छा ट्राइबल हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, किसान हो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, माइनॉरिटीज तुम्हें भी नहीं मिलेगा, गरीब हो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? अनिल अंबानी को मिलेगा। राहुल गांधी देश की सियासत में कोई नए नहीं है, करीब दो दशक से देश की सियासत में सक्रिय है और 2004 से लगातार लोकसभा के सांसद हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी बार बार विदेश में जाकर बहक जाते हैं और वही गलती कर बैठते हैं जिससे कांग्रेस का लगातार बेड़ा गर्क हो रहा है। 90 के दशक में कांग्रेस के खाते में 400 से ज्यादा सीट हुआ करती थी, लेकिन वही कांग्रेस आज सत्ता से महरूम है और सीटों की बात करें तो ये आंकड़ा महज 52 का रह गया है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि समझते ही नहीं, विदेशी धरती से सरकार पर सवाल उठाना तो उनका हक है, लेकिन देश पर सवाल उठाने का उन्हें कोई हक नहीं। आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बात की, अपनी पार्टी की अंदरूनी सियासत पर भी बयान दिया, लेकिन कई बात उन्होंने ऐसी कह दी जिन पर विवाद शुरू हो गया। 2018 में भी राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी और 4 साल बाद भी उसी जुमले को दोहरा दिया है। ट्राइंग टू चेंज द नेचर ऑफ इंडिया, सी देयर इज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट वांट्स टू कैप्चर इंडियाज इंस्टीट्यूशन, व्हाट वी आर डीलिंग विद इज ए कंप्लीटली न्यू आइडिया, इट्स एन ओल्ड आइडिया being reborn, and it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. Tell us that we should have a cadre like the BJP, and I tell them if we, the day we have a cadre like the BJP, we will be the BJP. We are a mass party. We are a party that listens to the expression of the Indian people. We have an organizational structure, but it is nowhere near the organizational structure of the BJP and it should never ever be. लगातार हार से कांग्रेस चिंता के भंवर में डूबी है और मुद्दों की तलाश कर रही है,
लंदन से राहुल गांधी ने कुछ सवाल तो ऐसे जरूर उठाए जो वास्तव में मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दों को भी छेड़ दिया जिससे देश की छवि धूमिल होती है। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है, बावजूद इसके लंदन से उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ कहा वो वाकई हैरान करने वाला है। राहुल गांधी के ऐसे बयानों से ही आज कांग्रेस सत्ता का बर्बाद झेल रही है, फिर भी राहुल गांधी हैं कि मानते ही।